कैसे आप लोग? तो इस सवाल को देखने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, हमली रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाओ, इस नाम से प्ले लिस्ट होगा बच्चे लोग, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी के नाम से प्ले लिस्ट होगा, समरूपता, तो उसको आप देखो, ठीक है। तो आपको बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो ये सवाल है ना, सेम टू सेम वही बनेगा जो मैंने अभी तक दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देखो तो ये सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेगा। क्योंकि देखो हम पड़ गए धन संकट में, अब अलीगढ़ सर मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, देखो जो नया स्टूडेंट है उसको तो जो मतलब अभी देख रहा है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो इसके देखने के बाद तो कर ही देगा, तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अगर देखेगा तो उसको तो बड़ा मजा आएगा, बोलेगा हाँ सर नया नया अच्छे से बता रही है, वो दिख जाए, ठीक है। अच्छा पुराने स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हैं, उसको अगर मैं वही चीज बताऊंगा जो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि तो सर बताए थे पिछले वीडियो में सर एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उतना मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, दोनों का दिल जीत के रखूंगा, पुराना वाला स्टूडेंट को भी वैसा वैसा चीज नहीं बताऊंगा जो मैं बता चुका हूँ, अपडेट थोड़ा करूंगा, नया वाला स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ बताऊंगा जिससे उसको नहीं लगे सर सॉल्व कर मारे, तो दोनों को लेके चलूंगा, बात समझ ना। आप लोगों को क्या करना है, एक ही काम करना है, इस वीडियो का अभी का भी बंद कर दीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, ठीक है, उसको अच्छा से देखो, उसके बाद देखो कितना अच्छा से समझते हो, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ये सब इसके चक्कर में मत पड़िए, इतना जो लिखा हुआ है वो दीजिए, कुछ नहीं है सब अल्तु है, अब इसको कितना भी सॉल्व कर सकते हो, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो इतना ये इसका ये क्या हो गया, आंसर, इसका ये क्या हो गया बच्चे लोग, आंसर। अब इसको इस टाइप का भी बना सकते हो, यहाँ पर ऐसे कर आपको नहीं घर बदलना है, ये इतना भी बना अगर आप लैंग्वेज से परेशान हो, ठीक है। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा है, देखो बात समझे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वो पक्का प्ले लिस्ट में जाके दो वीडियो आप पक्का से पक्का देख लेना, ठीक है, एकदम तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से, उस समय पूरा कोशिश करूंगा बताने का। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कर रहा है, ये है यहाँ पे चमुटा टाइप का देख रहे ना, चार गो, एक दो तीन चार, इसको आप बोल दीजिए कोई भी रेक्टेंगल बोल दो, पैरेललोग्राम बोल दो, एक ही बात, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं आप बोल दो, ये बोल दो वो कुछ भी कोऑर्डिनेटर बोल दो, कोऑर्डिनेटर बोल दो सबसे बेस्ट, नो कंफ्यूजन, कोऑर्डिनेटर बोल दो, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर क्वा, क्वा का मतलब क्या चीज, कोऑर्डिनेटर यानी कि चार, लेटर यानी कि साइड, चार साइड वाला, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है चार साइड वाला, ओके, तो ये वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये जो ए बी है ना बच्चे लोग, ये जो ए बी देख रहे हो ना, ये बी सी के पैरेलल होना चाहिए, तो ये क्या है इसका पैरेललोग्राम है, और ये वाला जो देख रहे हो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये वाला जो देख रहे हो इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये जो है ना इसके क्या है पैरेलल, पैरेलल है तभी ना पैरेललोग्राम। अच्छा पी कोई पॉइंट है, इस पर पी क्या है, कोई पॉइंट है बीसी पर, बीसी पर कोई पी पॉइंट है, तो आपको इसमें क्या करना है, ये आपको फिगर में दिया रहेगा, आपको इसमें क्या करना है, दो पेयर निकालना है ट्रायंगल का, कितना पेयर, दो पेयर निकालना है, दो पेयर निकालना है, क्या चीज का, ट्रायंगल का, बात समझे, तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला पिछला वीडियो देखो इसलिए आसान है, क्योंकि देखो इससे सिंपल में आप एकदम सिंपल में आपको याद हो जाएगा, दो पेयर निकालना है, दो जोड़ा इसमें आपको बताना, देखो ट्रायंगल तो बहुत ही खराब बन रहा है, लेकिन इसमें आपको दो ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसका एरिया क्या होगा इक्वल, अब याद करो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरिया इक्वल होने के लिए, एरिया इक्वल होने के लिए हाइट भी इक्वल होना चाहिए, याद करो, अगर पुराने स्टूडेंट हो जो सब्सक्राइब कर चुके हो, ठीक है, जो मैंने इससे पिछले वाला वीडियो दिया था एग्जांपल टू का, उसको आप याद करो, हाइट इक्वल होगा तभी एरिया प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, ये सब बता चुके थे हमने, तो हाइट क्या होना चाहिए, तो सर हाइट कैसे इक्वल होगा, आराम से इक्वल होगा, देखो ये जो है, ये जो हाइट इक्वल है क्योंकि हम आपको बताए थे ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल, पैरेलल लाइन कभी होता है, देखो बच्चे लोग सब, पैरेलल लाइन कि जब पैरेलल लाइन हुआ, एक पैरेलल लाइन और दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है वो एक रंग रहता है, बात समझ में याद आया ना, याद आया कुछ,
दो पैरेलल लाइन रहेगा, दो समांतर रेखा रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस है मान लीजिए एच, एच दो मीटर मान लो, दो मीटर मान लो, ये भी क्या होगा एच, ये भी क्या होगा एच, ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, सब क्या होगा एच होगा, बात समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पर एच होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये सबका बराबर होगा, ये भी मतलब पांच मीटर है तो पांच 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 सब बराबर होगा, क्योंकि जब भी दोनों पैरेलल होगा तब। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है क्या चीज का, बीसी का, अभी मैंने बताया, अभी मैंने यहाँ भी बताया ए बी पैरेलल क्या चीज का, बीसी का। अच्छा हाँ, फिर ए बी पैरेलल है क्या चीज का, ए बी पैरेलल क्या चीज का, बीसी का, अभी बताया। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेलल होना चाहिए अपोजिट। अच्छा फिर यहाँ पे कोई भी हम ट्रायंगल मान लेंगे, कंसीडर क्या है, कोई भी मान लेंगे, लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट। ये दो ट्रायंगल मान लिए, ठीक है, मैंने थोड़ा चालाकी से काम किया, यही दो ट्रायंगल मैंने क्यों माना, क्योंकि देखो आप तो कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन मैंने यही दो ट्रायंगल क्यों माना, ये दो ट्रायंगल मैंने इसलिए माना, ये दो ट्रायंगल मैंने इसलिए माना क्योंकि ये दो ट्रायंगल में मैंने दो तीन चीज एप्लीकेशन अप्लाई किया, मतलब अप्लाई किया दो तीन चीज। पहला अप्लाई किया मैंने, देखा ये दो ट्रायंगल का बेस सेम है, बात समझे, ये दो ट्रायंगल हम नहीं मान के दूसरा मानते, ठीक है, तब थोड़ा सा लग सक जाते, ठीक है। तो सर आपको तो पता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, यही दो ट्रायंगल मानेंगे सवाल बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके पीछे आपको दो काम करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो। पहला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा प्ले लिस्ट में जाके, ओ सर कितना बार बताओगे, वो था बता चुके हो, ठीक है। तो पहला वो था, सेकंड चीज हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, दूसरा चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला चीज समझ गया, वेरी गुड, वीडियो देखना पड़ेगा। सेकंड चीज प्रैक्टिस, दो चीज करो हर बार, तो साथ ठीक है। तो देखो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, देखो इसका बेस क्या बीसी है, तो बीसी इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बीसी इस ट्रायंगल का भी बेस कौन है, इस ट्रायंगल का भी बेस कौन है, बीसी है, तो दोनों का बेस सेम है। अच्छा दोनों का बेस सेम है, दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। देखो इधर देखिएगा मेरे सहयोगी, इधर देखो दोनों बीसी है, दोनों ट्रायंगल बीसी है, इसका क्या है ए बी सी, इसका ए ए ऐसा करके उसको छोटा कर दो, इस ट्रायंगल का बेस क्या चीज है बीसी, यहां पे सॉरी सी दे दो, ठीक है। फिर देखो बी डी सी, बी डी सी तो बी बी डी सी, देखो बच्चे लोग हुआ ना, बी सी किसको बोलेगा, रे बी सी ट्रायंगल, तुम्हारा बेस कौन है, ये बोला बी सी, सही मतलब ये बी सी है, इसको बोले रे बी डी सी, तुम्हारा बेस कौन है, बोला वही मेरा पड़ोसी वाला, इसी का बेस है, देखिए सही बी सी का बेस है, पास हो ना। अच्छा तो पहला चीज मैंने मिलाया, पहला चीज मिलाया, सेकेंड चीज मिलाना है, सेकेंड चीज मिलाना है, सेकेंड चीज क्या मिलाना है, दोनों पैरेलल लाइन होना चाहिए, हाँ आराम से पैरेलल है, ऊपर में मैंने लिखा भी है, यहाँ भी है, मैंने बताया भी था पैरेलल है। अब जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, जब भी दोनों पैरेलल लाइन है, इसके अंदर में कितना भी त्रिभुज बनेगा, कितना भी ट्रायंगल बनेगा, सबका हाइट इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, अभी मैंने बताया ना दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इसका डिस्टेंस दोनों त्रिभुज है, इसका जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, इसी तरह ये जो आप देख रहे हो ऐसे जो ऐसे करके ले गया, इसको कुछ ना मान लो, ना मान लो क्या दिया है इसमें, ये आपका नाम है, कुछ मान लो नहीं भी मान लो तो चलेगा, कुछ नाम मान लो ए बी सी डी ई मान लो, डी है तो ये एच होगा, इसके अंदर में जितना भी त्रिभुज है सबका हाइट सेम होगा, लेकिन ये कंडीशन है इसका बेस सेम होना चाहिए, दोनों पैरेलल के बीच में होना चाहिए। तो वो सब चीज अप्लाई कर दिया, जब सब चीज अप्लाई होता है, ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था सब चीज अप्लाई होता है तो दोनों का एरिया सिंपल हो जाता है। वही देखिए अब इतना भाषण बाजी लिख दीजिए, आई होप आप समझोगे, नहीं नहीं समझोगे कोई टेंशन नहीं है, कमेंट कीजिए सर कोई मतलब कहा से निकल गया, कुछ और समझे हम बताएंगे, टेंशन क्या नहीं है। टेलीग्राम वो गुड न्यूज है आप लोग के लिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम से भी हम जुड़ गए, वहां पर भी मेरा चैनल है, टेलीग्राम से जुड़ के वहां पे जाकर तुरंत जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है। ढेरों ज्ञान वाला चीज सब, ढेरी ढेरों नोट सब मैं वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ भी दिक्कत होगा टेलीग्राम पे हमें जाके आप
वहां पे फॉलो करो और बोलो क्या आपको क्या चीज मतलब चाहिए, ठीक है। और आप तो टेलीग्राम पे वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे लिखे बोथ द, अभी मैंने जो बताया ना उसी को अप्लाई कर दो। बोथ द ट्राइंगल्स, बोथ मतलब क्या, दोनों, बोथ द ट्राइंगल्स आर ड्रॉन इन पैरेलल है, सही है, पैरेलल लाइन के बीच में मतलब किया है, ड्रॉन मतलब घटा दिया, ड्रॉन मतलब खींचा, दो पैरेलल लाइन के बीच में खींचा है दो ट्राइंगल, अच्छा पैरेलल लाइन, ओके। डिस्टेंस पैरेलल लाइन इज, हां डिस्टेंस पैरेलल लाइन इज द हाइट ऑफ द फोर ट्राइंगल, सही है, डिस्टेंस सेम होगा, अभी मैंने बताया है, जो मेरा मुंह से अभी निकला है ना 10 मिनट में, ठीक है, और सबको आपको शॉर्ट से शॉर्ट निकाल के छाप लो, अच्छी तो बढ़ रहा हो गया खत्म, ये जरूरी नहीं है कितना तो चक्कर आ गया, सॉरी क्या लिखे है इतना चीज नहीं समझना, सिंपल में बताइए, अरे लिखी जाए सिंपल में, अच्छा ये दोनों हो गया, ये दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, ये दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, कंडीशन कॉमन बेस है एकदम, अभी मैंने बताया ना कॉमन बेस रहेगा, इस ट्रायंगल का जो बेस रहेगा वो आधार रहेगा, वो भी ट्रायंगल का वही बेस रहेगा वही आधार होगा, ठीक है, और हाइट क्या होगा इक्वल होगा, जब कॉमन बेस होते हैं हाइट इक्वल होते हैं एरिया भी इक्वल होते हैं, जब कॉमन बेस होते हैं कॉमन हाइट होते हैं एरिया भी इक्वल होते हैं, जब कॉमन बेस होते हैं कॉमन हाइट होते हैं तो एरिया भी इक्वल होते हैं, लास्ट टाइम लास्ट लास्ट एकदम देखो इधर देखिएगा मेरे सहयोगी, मानो ये PQ है, इसमें दो ट्राइंगल बना, कुछ नाम दे दो, ये दो ट्राइंगल बना बच्चे लोग, एक ट्राइंगल क्या बना, एक ट्राइंगल क्या बना PRQ, और एक ट्राइंगल क्या बना PSQ, चलिए मिलाइए कॉमन बेस, चलिए PQ है, इस ट्राइंगल का आधार कौन है बेस कौन है PQ, इस ट्राइंगल का भी बेस कौन है PQ, पहला चीज मिल गया, पहला चीज क्या हो गया मिल गया, जितना भी मतलब तो उसका हाइट सेम होगा और कॉमन बेस भी सेम है दोनों ट्रायंगल का, इस दोनों का एरिया होगा इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, दैट्स ऑल, कोई मैंने यहां पे लिख दिया, ये भी जब यहां भी आप लिख दो, दो बार मैंने नहीं लिखा एक ही बार लिखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करो और अपना सजेशन दो कि आप कहां पर नहीं समझे, लास्ट में हो गया ये दो ट्रायंगल हुआ, ये दो ट्रायंगल ये दो हुआ क्यों, क्योंकि ये दूरी है, ये दो ट्रायंगल लेंगे इसमें भी अप्लाई होगा, ये चीज को बार बार क्यों लिखो, एक बार लिख दिया हो गया खत्म, ठीक है, अब अच्छा से देखो, अच्छा से देख लीजिए एक बार, देखो दिखा दिया बच्चे तुम लोगों को, ये है बच्चे लोग यहाँ पे ये है, लाइक करो सब्सक्राइब करो पूरा को फैला दो, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करो, लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।